मैदरी नगर के मिशन स्कूल रोड स्थित जयप्रकाश जनता दल के प्रमंडलीय कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक एवं सहभोज का आयोजन किया गया। जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज सहाय की गरिमाई उपस्थिति में आयोजित उक्त बैठक की अध्यक्षता जयप्रकाश जनता दल झारखंड के प्रामू जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार मिश्र ने की। उक्त बैठक में जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया कि जनता को राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी ताकि हम सरकार को सही तरीके से जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने पार्टी के प्रदेश इकाई के विस्तार एवं समिति गठन करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव श्याम बिहारी राय ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा आहूत संपूर्ण क्रांति आंदोलन के इतिहास एवं जयप्रकाश नारायण के योगदान को रेखांकित किया तथा सभी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया। इस अवसर पर जयप्रकाश जनता दल झारखंड प्रदेश के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंदर शर्मा, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार प्रसाद का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव विमलेश कुमार यादव, प्रदेश सचिव संजय किशोर सिंह, नरेंद्र दुबे, गीता कुमारी, जूली खलको, महानगर अध्यक्ष पंकज लोचन सहित 50 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने जयप्रकाश नारायण के विचारों से सहमत होकर क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।